हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक नौरत्ना पीएसयू है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या सैलरी रहेगी। जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की। इसमें जो बेसिक पे है वो 30,000 है एंड टोटल वैकेंसीज एक है जो कि ओबीसी के लिए है। एंड अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने एमएससी आईटी किया है या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है या अगर आपने एमकॉम या एमएससी किया है आईटी फील्ड में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें जो मिनिमम एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया है वो है 4 इयर्स की एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 34 इयर्स है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट ऑफिसर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। इसमें बेसिक पे 30,000 है एंड ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है एंड इसमें एक वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने एमएससी आईटी किया है या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है आईटी फील्ड में या फिर अगर आपने एमकॉम या एमएससी किया है आईटी फील्ड में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें आपका मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें अप्लाई करने के लिए 34 इयर्स है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर आईटी सिक्योरिटी की। इसमें बेसिक पे 60,000 का है एंड ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है एंड इसमें एक वैकेंसी है। अगर आपने बीई बीटेक किया है सीएस आईटी में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो या एमसीए पीजी डीसीए किया है जो कि 3 इयर्स का कोर्स होता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मिनिमम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 31 इयर्स की है। जो अगली पोस्ट है वो है डिप्टी मैनेजर डिजास्टर रिकवरी की। इसमें बेसिक पे 70,000 की है एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। अगर आपने एमबीए या एमई एमटेक किया है सीएसआईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें आपका मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 34 इयर्स की। अगली पोस्ट है डिप्टी ऑफिसर लीगल। इसमें बेसिक पे है 40,000 की एंड अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 2 वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ LLB, अगर आपने LLB किया हुआ है 3 इयर्स का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो या फिर अगर आपने 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मिनिमम आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड जो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 32 इयर्स की। अगली पोस्ट है डिप्टी ऑफिसर HR की। इसमें बेसिक पे है 40,000 एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी है। अगर आपने एमबीए किया है HR में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट इसमें 34 इयर्स की है एंड मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर की। इसमें बेसिक पे 80,000 की है एंड इसमें 2 वैकेंसीज है, एक ST कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है एंड एक अनरिजर्व्ड है। अगर आपने CA या CMA किया हुआ है एंड ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में या फिर अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन सब ब्रांचेस में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मिनिमम आपका 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो है 37 इयर्स। और अगर आपने MBA या PGDM किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी है मैनेजर राजभाषा। इसमें जो बेसिक पे है वो है 80,000 की एंड इसमें एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है हिंदी मीडियम में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ आपका एक डिग्री या डिप्लोमा कंपलसरी है जो कि ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसका डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 37 इयर्स की एंड मिनिमम आपके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट है डिप्टी मैनेजर PR की। इसमें बेसिक पे है 70,000 की एंड इसमें वैकेंसी एक है जो कि ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है PR मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो जॉब एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो है 4 इयर्स की एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 34 इयर्स की।
एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 अप्रैल है एंड इसमें जो एप्लीकेशन फी आपको देनी होगी वो है 500 रुपीज। तो इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई जरूर करना एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।